बच्चों नमस्कार, आप सबका स्वागत है इस कक्षा में। बच्चों आज हम आपकी वसंत पुस्तक का पाठ 4 दीवानों की हस्ती पढ़ेंगे। दीवानों की हस्ती एक कविता है जिसे भगवती चरण वर्मा जी ने लिखा है। कविता में कवि अपने आप को एक दीवाना कहता है। दीवाना क्या होता है बच्चों? किस तरह का व्यक्ति होता है जो कोई चिंता नहीं करता, कोई फिक्र नहीं करता, हमेशा मस्त रहता है और किसी भी परिस्थिति में खुश रहता है? तो ऐसा व्यक्ति जो कभी दुखी नहीं रहता, उसके आसपास किस तरह का माहौल होगा, किस तरह का वातावरण होगा? तो वह जहाँ भी जाता है खुशी का आलम बन जाता है, खुशी का वातावरण बन जाता है और उसके आसपास के सभी लोग उससे प्रभावित होकर वे भी प्रसन्न हो जाते हैं। कवि अपने आसपास स्वच्छंद रूप से प्यार लुटाता है, अर्थात वह कोई भेदभाव नहीं करता, किसी को भी अपना या पराया नहीं समझता, सभी को बराबर समझते हुए सबको खुशियाँ देने का प्रयास करता है और उनके दुख लेने का प्रयास करता है। कवि में ज़रा भी घमंड नहीं है, उसे अपने अस्तित्व का, अपनी पहचान का कोई घमंड नहीं है। अपने आप को वह आम लोगों के साथ बराबर मानता है, सभी को समान मानते हुए सभी को खुशियाँ प्रदान करना चाहता है। तो बहुत ही सुंदर कविता है बच्चों ये भगवती चरण वर्मा जी की। तो आइए हम अब कविता पढ़ना शुरू करते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहां चले, किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो बच्चों कैसी लगी आपको कविता? बहुत सुंदर कविता है ना? तो आइए एक बार फिर से कविता को पढ़ते हैं और आनंद लेते हैं। इस बार मैं आपको ये कविता गीत के रूप में सुनवा रही हूँ, आप सुनिए व साथ साथ गुनगुनाइए। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती, कर उल्लास अभी, आंसू बन कर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए
सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती। चलना है बस इसलिए चले, किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ ले चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक कर सुख दुख के घूंटों को, छक कर सुख दुख के घूंटों को, हम एक भाव से पिए चले। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती। भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सिर पर, हम एक निशानी सिर पर ले असफलता का भार चले। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं,
हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती। आशा है बच्चों आपको कविता गाकर बहुत अच्छा लगा होगा। आइए अब जानते हैं इस कविता के रचयिता भगवती चरण वर्मा जी के बारे में। भगवती चरण वर्मा जी हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। उन्होंने प्रारंभ में कविता लेखन किया और फिर उपन्यासकार के रूप में विख्यात हुए। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण और फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। भगवती चरण वर्मा जी के अनेक उपन्यासों पर हिंदी फिल्में व कई सीरियल बनाए गए हैं। भगवती चरण वर्मा जी फक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने अपने आप को कभी भी किसी तरह के बंधन में नहीं बांधा। वे परिचितों व अपरिचितों में एक समान खुले मन से रहे। उसी प्रकार उनकी रचनाओं में भी एक खुलापन है। उनके साहित्य में छायावादी युग की मिठास तो है, परंतु यथार्थ से एक जुड़ाव भी है। दीवानों की हस्ती पाठ में भी भगवती चरण वर्मा जी ने ऐसे लोगों का वर्णन किया है जो उनकी तरह फक्कड़ व दीवाने किस्म के हैं। उनके लिए समाज के नीति नियमों का कोई महत्व नहीं है। मनुष्य की सेवा करना वे अपना कर्तव्य समझते हैं और सबसे समान भाव से वह प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं। वे अपने प्रयासों से समाज को प्रेम और आपसी सद्भावना का संदेश देते हैं। जिस समय ये कविता लिखी गई थी उस समय हमारा देश परतंत्र था, तो कवि की नज़र में देश को स्वतंत्र करवाने की धुन रखने वाले स्वतंत्रता सेनानी भी इसी किस्म के लोग हैं। बच्चों इस तरह के गुण हम अक्सर उन लोगों में देखते हैं जिन्हें कोई धुन सवार हो या कोई लगन लगी हो। जैसे साधु संत, उन्हें भगवान की धुन लगी होती है और वे मस्त मौला व फक्कड़ स्वभाव के होते हैं। फिर देश के सैनिक, उन पर तो बस देशभक्ति की धुन सवार होती है। कितने ही कला प्रेमियों, वैज्ञानिकों या संगीत प्रेमियों में भी ऐसी ही लगन देखने को मिलती है। तो चलिए अब कविता के भाव सौंदर्य पर चर्चा कर लेते हैं। तो आइए एक बार फिर से कविता को पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। कवि कहते हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। तो बच्चों बताइए इन पंक्तियों में कवि दीवानों के किस स्वभाव के बारे में बात कर रहा है? बताइए। वह कह रहा है कि उनका स्वभाव मस्त मौला है, मस्ती भरा है और उन्हें अपनी हस्ती पर अभिमान नहीं। और क्या बताया है कवि ने? कवि ने कहा है कि दीवाने एक जगह पर रुकते नहीं, चलते रहते हैं। चलिए अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। आए बनकर उल्लास अभी,
आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। बच्चों बताइए इन पंक्तियों के अनुसार कवि की उपस्थिति का लोगों पर क्या असर पड़ता है? बताइए जब कवि आते हैं तो उस स्थान के लोगों पर उनके आने का और जाने का क्या असर पड़ता है? कवि जहाँ भी कहीं भी जाते हैं एक खुशी का माहौल बन जाता है, लेकिन जब वहाँ से उनके चलने का समय होता है तो लोग दुखी हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। बच्चों इन पंक्तियों में कवि अपने जीवन के सफ़र के बारे में क्या कह रहे हैं बताइए तो? क्या कहते हैं कवि? कवि कहते हैं कि उनका कोई पक्का ठिकाना नहीं है, कोई मंजिल नहीं है। फिर बताइए कि लोगों से वे कैसा व्यवहार करते हैं? लोगों के सुख दुख बांटते हुए चलते हैं, उन्हें खुशियां प्रदान करते हैं और उनके दुख ले लेते हैं। चलिए अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। बच्चों इन पंक्तियों में कवि जीवन जीने का क्या ढंग बता रहे हैं बताइए तो ज़रा? क्या कह रहे हैं कवि? कवि लोगों से सुख दुख बांटते हैं और सुख व दुख को एक समान भाव से ग्रहण करते हैं, यानी सुख में बहुत खुश और दुख में बहुत निराश नहीं होते। चलिए अगली पंक्तियाँ देखते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। दुनिया के लोगों के बारे में कवि के क्या विचार हैं बताइए ज़रा? कवि दुनिया के लोगों को भिखमंगा कहते हैं, अर्थात सभी को प्यार की सहारे की मदद की ज़रूरत है। फिर असफलता का भार, इससे कवि का क्या मतलब है? कवि अपने आप को असफल मान रहे हैं क्योंकि वे सबकी मदद करने की इच्छा को पूरी न कर सके, इसलिए उनके हृदय पर एक निशान है, असफलता के भार का निशान। अब अंतिम पंक्तियां हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। बच्चों इन पंक्तियों में कवि के मन में कैसे भाव आ रहे हैं? उनके मन में अपने पराये का कोई भेद नहीं, वे सभी के कल्याण की कामना कर रहे हैं। अच्छा बताइए सांसारिक बंधनों के बारे में वे क्या कहते हैं? कवि मस्त मौला हैं, सांसारिक बंधन उन्हें बांध नहीं सकते, अपनी मर्जी से उन्होंने बंधन जोड़ लिया था, अब अपनी मर्जी से तोड़ रहे हैं। बच्चों आशा है कि आपको कविता का अर्थ समझ आ गया होगा। तो आइए अब कुछ प्रश्नोत्तरों द्वारा कविता में आई बातों को दोहरा लेते हैं। पहले मैं आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछ रही हूँ, उसके आपको मैं विकल्प दूंगी, आपने सही विकल्प चुनना है। तो पहला प्रश्न है बच्चों कि कवि ने संसार को भिखमंगा क्यों कहा है? उत्तर के लिए विकल्प हैं स्वार्थ के कारण, प्यार के कारण, भूखे रहने के कारण या निस्वार्थ होने के कारण। उत्तर है, हाँ जी बताइए, स्वार्थ के कारण। हाँ, लोग स्वार्थी हैं
दूसरों की भलाई में विश्वास नहीं रखते, इसलिए कवि ने उन्हें भिखमंगा कहा है। अगला प्रश्न है, दीवाने किसका भार लेकर जाते हैं? उत्तर के लिए विकल्प सुनिए, सफलता का, असफलता का, सामान्य चिंता का या रोजगार का। बताइए उत्तर। उत्तर है असफलता का। दीवाने असफलता का भार अपने दिल पर लेकर जाते हैं। अगला प्रश्न है, दीवाने क्या चाहते हैं, उनकी क्या इच्छा है? बताइए बच्चों। विकल्प सुनिए, अपनी खुशी, धन दौलत या दूसरों की खुशी। आपको सबको पता है इसका उत्तर, दूसरों की खुशी। दूसरों की खुशी में ही उन्हें भी खुशी मिलती है। अच्छा बच्चों बताइए, कविता में दीवाना किसे कहा गया है? पढ़ने वालों को, खेती करने वालों को, मजदूरों को या कवि को? किसे कहा गया है दीवाना? कवि को। कवि में दीवाने होने के सभी गुण हैं। वह किसी भी परिस्थिति की चिंता नहीं करता, किसी को अपना या पराया नहीं मानता, कहीं एक जगह पर टिककर नहीं रहता। ये सारे गुण एक दीवाने में होते हैं। अच्छा बच्चों, कविता के कवि का नाम बताइए, याद है आपको? विकल्प सुन लीजिए, भगवती चरण वर्मा, निर्मल वर्मा, सुरेंद्र वर्मा या महादेवी वर्मा। क्या उत्तर है जल्दी से बताइए। भगवती चरण वर्मा। हाँ जी, बिल्कुल सही बताया आपने। अब कुछ दूसरे प्रश्न हम करते हैं बच्चों। कवि ने कहा है, हम धूल उड़ाते जहां चले, इससे कवि का क्या तात्पर्य है? कवि कहना चाहता है कि वे जहां भी जाता है मस्ती से जाता है, बिना किसी चिंता के मस्त मौला होकर वह रहता है और धूल उड़ाते हुए यानी दुख की चिंता किए बिना वह आगे चल पड़ता है। बिना किसी चिंता के मस्ती में चलते जा रहे हैं और उन्हें कोई परवाह नहीं है। अगली पंक्ति देखिए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। इसमें कवि ने क्या कहना चाहा है बच्चों? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कवि के ऊपर सुख या दुख किसी भी परिस्थिति का कोई असर नहीं होता, वे सुख और दुख में एक समान ही रहते हैं और ऐसा ही करने का हमें भी वे शिक्षा दे रहे हैं। अगली पंक्ति है बच्चों, कवि कहते हैं, अब अपना और पराया क्या, इससे क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य है कि कवि दीवाने हैं और अपने और पराये के भेद को भुलाकर वे सभी के कल्याण की कामना करते हैं। इससे अगली पंक्ति जिसका तात्पर्य हम जानेंगे वह है, आए बनकर उल्लास अभी, बह चले आंसू बनकर अभी। इससे क्या तात्पर्य है? इसका अर्थ है कि लोगों के जीवन में वे उल्लास बनकर आते हैं, लेकिन जब वहां से जाते हैं तो लोगों की आंखों से आंसू बहते हैं और वे इतने कम समय के लिए रहते हैं कि उनके होने का एहसास लोगों को नहीं हो पाता। क्षणिक सुख के बाद उनके आंसू बहने लगते हैं और वे चाहते हैं कि हमेशा उनके पास इसी तरह का वातावरण रहे और कवि उल्लास भरा वातावरण छोड़कर ना जाएं। हमारी कविता बच्चों दीवाने के बारे में थी, तो अंत में आप मुझे बताइए कि दीवानों की क्या विशेषताएं होती हैं, किस तरह के लोग होते हैं वे, एक एक करके बताइए। पहला, दीवाने मौज मस्ती में रहते हैं। दूसरा, एक जगह टिक कर नहीं बैठते। और क्या गुण होते हैं उनमें? लोगों का सुख दुख में साथ देते हैं। और बच्चे, और कुछ याद है आपको दीवानों के बारे में? हाँ, उनमें अपने और पराये का कोई भेदभाव नहीं होता, वे सभी को
एक समान मानते हैं। बहुत अच्छे। मेरा अगला प्रश्न है बच्चों आपसे कि कवि के स्वभाव की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? कुछ अच्छा लगा आपको कविता में? बताइए। मस्त मौला स्वभाव, बेफिक्री का स्वभाव, अर्थात प्रसन्न रहना, ये बहुत अच्छी बात है। फिर हमें पता चलता है कि कवि लोगों को खुशियां देने का स्वभाव रखता है, अर्थात सबका भला करना उसके स्वभाव में है। फिर बच्चों, कवि किसी को भी अपना या पराया नहीं समझता, अर्थात वह भेदभाव से परे है। इसके साथ ही वह सुख और दुख को एक समान समझता है। एक और बात बताइए बच्चों, इस कविता से कौन सा दृष्टिकोण झलकता है? मस्ती से जीने का दृष्टिकोण झलकता है कि हमें स्वच्छंद जीवन जीना चाहिए और किसी बंधन में नहीं बंधकर रहना चाहिए, यह दृष्टिकोण भी झलकता है। इसके अलावा कविता से हमें यह भी पता चलता है कि हमें गरीबों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, किसी के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, हमारा ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। आशा है आपको कवि के विचारों से बहुत प्रेरणा मिली होगी और आप सब भी कवि के दृष्टिकोण के अनुसार खुशी से अपना जीवन जिएंगे एवं हमेशा दूसरों की भी मदद करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।